इसराइल ने गोलन हाइट्स में हिजबुल्ला के हमले में मारे गए 12 बच्चों का बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेहरूत में मंगलवार को इस हमले के जिम्मेदार हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को मार गिराया है। हिजबुल्ला ने भी अपने टॉप कमांडर के एक बम धमाके में मारे जाने की पुष्टि कर दी है। मारे गए कमांडर का नाम हज मोहसिन उर्फ फुहाद शुकर है। इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि की है और कहा है कि उसने बेहरूत के दक्षिणी उपनगर में एक आतंकवादी को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेहरूत के उपनगर में मंगलवार शाम को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इस दौरान तेज धमाका हुआ और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इसके बाद घटनास्थल पर लेबनानी सुरक्षा बल और हिजबुल्ला के लोग आ गए और पूरे इलाके को घेर लिया। मारे गए कमांडर की पहचान फुआद शुकर के तौर पर हुई है, जिसे हिज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। हिज मोहसिन आतंकवादी समूह के नेता हसन नसरुल्ला के वरिष्ठ सलाहकार था। मोहसिन को कई साल पहले IDF ने हिजबुल्ला के सटीक मिसाइल परियोजना के कमांडर के रूप में नामित किया था। वो 1983 में बेहरूत में अमेरिका मरीन बैराक में बमबारी में अपनी भूमिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वांछित भी है। IDF की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद उसने शनिवार को गोलन हाइट्स में हुए घातक रॉकेट हमले के पीछे हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाकर बेहरूत में हवाई हमला किया, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने पुष्टि की है कि उसने कुछ समय पहले लेबनान की राजधानी बेहरूत में हवाई हमला किया था। सेना के अनुसार इस हमले में कई घातक रॉकेट मिसाइल से ये हमला हुआ और इजरायल पर अन्य घातक हमलों के पीछे हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाया गया था। IDF का कहना है कि अभी तक इजरायली नागरिकों के लिए निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IDF का कहना है कि वो जल्द ही और विवरण देंगे। बता दें, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि फुटबॉल ग्राउंड पर हुए हमले पर उसका हाथ था और वही जिम्मेदार था। फुहाद को हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्ला का राइट हैंड बताया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक 90 के दशक में हिजबुल्ला ने इजरायल के 3 सैनिकों को मार दिया था। उनके शव को साथ लेकर चले गए थे। फुहाद इस घटना में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक फुहाद हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर का वारिस था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि फुहाद ने कई इजरायलियों का खून किया था। हमने इसका बदला लिया है। हमारे सैनिक इजरायलियों के हथियारों को दुनिया में किसी भी कोने में ढूंढकर मार देंगे। अब एक नजर डाल लीजिए कि हिजबुल्ला संगठन आखिर है क्या। हिजबुल्ला का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। ये संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्ला लेबनान का ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इसराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद के लिए बनाया गया था। 1960 से 70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसे धीमे धीमे जमीन पर जोड़ना शुरू किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।